आज होगा विपिन रावत और पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार, पंचतत्व में होंगे विलीन, 12 अन्य सैन्य कर्मियों को दी जाएगी अंतिम विदाई। राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, कई जगह किए गए रूट डायवर्ट। चुनावों में प्रियंका ने झोंकी ताकत, जारी किया नया थीम सॉन्ग, कहा मैं कुछ भी कर सकती हूं। प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दी थी चेतावनी, सरकार पेश करेगी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों के निधन की वजह बने सेना के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बृहस्पतिवार को बरामद कर लिया गया। सेना ने जानकारी दी कि दुर्घटना में बुरी तरह जलने के कारण शवों की पहचान के लिए DNA जांच कराई जा रही है और अब तक सिर्फ 3 शवों की पहचान हो पाई है, जिसमें जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लीध शामिल हैं। वहीं इस हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि दुर्घटना की जांच तीनों सेनाओं का एकीकृत जांच दल करेगा और इस दल का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। बता दें कि वायुसेना का दल शुरुआती जांच के लिए कुन्नूर पहुंच चुका है। वहीं तिरंगे में लिपटे सारे पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार को सेना के ट्रकों में वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए, जहां वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, तमिलनाडु के CM, मंत्रियों और गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद वहां से जो पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली रवाना किए गए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई, अंतिम दर्शन के लिए वो रखे गए। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, NSA अजीत डोभाल भी पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाना है, पंचतत्व में वो विलीन होंगे। आप बता दें कि उनके आवास पर सुबह करीब 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर तमाम गणमान्य लोग पहुंचेंगे। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पर उनका विधि विधान के साथ उन्हें पंचतत्व में विलीन करवाया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि उनकी बेटी उन्हें मुखाग्नि देंगी। तो पंचतत्व में विलीन होंगे CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद IMA परेड में भाग लेने के लिए शुक्रवार शाम को देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात का प्लान भी तैयार किया है। इसके लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर IM तक विभिन्न स्थानों से रूट डायवर्जन व्यवस्था रहेगी। ये व्यवस्था उनके काफिला निकलने से पहले ही लागू कर दी जाएगी। तो राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा है आज, इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ कई रूट डायवर्ट भी किए गए हैं। तो आज परेड में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी, सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए थे। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे, वहां से सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें IMA परेड ग्राउंड में ले जाया जाएगा, जहां पर परेड में वो भाग लेने के लिए शुक्रवार शाम को देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात का भी एक पूरा खाका तैयार किया हुआ है। इसके लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर IMA तक विभिन्न स्थानों से रूट डायवर्जन व्यवस्था रहेगी। ऐसे में आम जनता को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ये व्यवस्था उनके काफिला निकलने से पहले ही लागू कर दी जाएगी। तो राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। IMA परेड में वो शामिल होंगे, साथ ही साथ वहां पर अपना संबोधन भी जारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार बैठकें और जनसभाएं करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बार कांग्रेस का फोकस सबसे ज्यादा महिलाओं पर है। पार्टी ने पहले ही 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को महिलाओं के लिए अपना
अलग घोषणा पत्र जारी किया। अब पार्टी ने अपनी थीम सॉन्ग को लॉन्च कर दिया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंकती हुई नजर आ रही है। महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस है, महिलाओं को पहले ही 40% आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है टिकटों में। इसके अलावा अभी हाल ही में उन्होंने एक अलग से महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, इसके बाद एक नया थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में बखूबी उतर चुकी हैं। तमाम जिलों का वो दौरा कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात होती हैं, उनकी रैलियाँ उनकी हो रही हैं। इसके अलावा विपक्ष के तौर पर लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाती हुई आई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, कहीं भी कोई भी घटना होती है वो सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं, चाहे वो हाथरस हो, लखीमपुर हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, यहाँ हर मुद्दे को वो भनाती हुई नजर आती हैं। तो अब थीम सॉन्ग जारी किया है, इसे कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से तैयार हैं चुनावों को लेकर, साथ ही साथ जो मजबूती है वो भी कांग्रेस में अब दिखाई दे रही है। तो चुनावों में पूरी ताकत झोंकते हुए प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। नया थीम सॉन्ग यहां पर लॉन्च किया गया है। इस नए थीम सॉन्ग के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण और ज्यादा बढ़ेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा, ऐसा प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही है। इससे पहले ही मंगलवार को एक अलग से घोषणा पत्र महिलाओं के लिए जारी किया गया था। इससे पहले 40% आरक्षण जो टिकटों में है वो कांग्रेस ने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उन्होंने वादे किए हैं कि 12वीं पास जो छात्राएं होंगी उनको यहाँ पर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके अलावा जो कॉलेज में होंगी उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। तो महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस है, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं पर तो फोकस किया जा रहा है लेकिन जो दूसरी तरफ वोट बैंक है उन पर कांग्रेस कितना ज्यादा फोकस कर रही है। तो नए थीम सॉन्ग के साथ अब एक कदम प्रियंका गांधी और आगे बढ़ा रही हैं। प्रदूषण मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते ही सख्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उड़न दस्तों का गठन किया था, जिस पर आज कोर्ट मामले में हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट लेगा। इसी के साथ अदालत आज दिल्ली और आसपास के इलाकों से निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाने पर भी विचार कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। बता दें कि कोर्ट ने बीती सुनवाई में इस बात पर असंतोष जताया था कि एनसीआर में होने वाले प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल जो आयोग बनाया था वो सफल नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि आयोग के पास अपने निर्देशों को लागू करवाने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डी वाई चंदूड़ी और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने संकेत दिया था कि वो अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन करेगी, साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि उड़न दस्ते भी बनाए जाएंगे। हालांकि कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले केंद्र ने नया हलफनामा दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही है, उसका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ अपने प्रचार में है। कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों को खोले जाने पर भी सवाल खड़ा किया था। वहीं दिल्ली सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने जजों को यह बताया था कि दिल्ली में स्कूल खोलने का निर्णय किस वजह से लिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीडिया में देखा है कि हमें ऐसे खलनायक की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से आया था। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज एक बार फिर से बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जो दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है उसको लेकर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और बार बार इस पर कार्रवाई भी हुई, सुनवाई भी हुई है। इसी तरह से आज भी इसी कड़ी में सुनवाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से दिल्ली के स्कूल बंद हो गए थे और गाजियाबाद के भी 2 से 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए थे, क्या उसी तरह के जो अब इस बार जो फैसला आता है क्या उसके हिसाब से फिर एक बार ये जो देखने को मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर गाजियाबाद की बात की जाए कि कहा जा रहा था कि बारिश के बाद जो है पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन पॉल्यूशन में उस तरह की
ड्राफ्ट देखने को नहीं मिली है। अभी भी 250 से 300 के बीच में गाजियाबाद का एक वे लगातार बना हुआ है, जिसके चलते पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में लगातार जो है इस पॉल्यूशन को लेकर संबंधित जो बीमारियां हैं उसको लेकर मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर एनसीआर की हम बात करें तो यहाँ पर भी पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ रहा है। अब तो पराली जलाने की घटनाएं भी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बार बार सरकारें हवाला दे देती है कि पराली जलती है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, लेकिन अब ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। तो आखिर क्या वजह है कि पॉल्यूशन का स्तर कम नहीं हो रहा है? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम लगातार हो रहे हैं, इसके अलावा अगर एनसीआर की बात की जाए तो एनसीआर में स्कूल भी खुले हुए हैं। ऐसे में क्या चेतावनी आज सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में तमाम ऐसे औद्योगिकीकरण हैं जिनको लेकर परमिशन नहीं दी गई है, या फिर एक फैक्ट्री, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर किसी एक फैक्ट्री में आपको 2 से 3 भट्टियाँ जलाने की अनुमति है, लेकिन वहाँ से 4 से 5 फैक्ट्रियाँ जो भट्टियाँ हैं वो जल रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पॉल्यूशन विभाग जो है लगातार उन पर जुर्माने लगा रहा है और प्रशासन से अपील भी कर रहा है कि आप जो है जो हम जुर्माने लगा रहे हैं इसको वसूलने का काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरी तरह से ढीलापन दिखा रहा है। और दूसरी तरफ अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी होते हैं खासतौर पर, वो खुद कूड़े में आग लगा दिया करते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। जी तो इसको लेकर क्या कोई कंप्लेन दर्ज कराई गई है, जो आप बात बता रहे हैं कि कूड़े में आग लगा दी जाती है, इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कंप्लेन के लेकर, लोग इतना सजग नहीं है कि अगर कूड़े में आग लगाई जाती है तो वो कानूनी जुर्म है, जिसके वजह से इस तरह की कंप्लेन तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन आमतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आसानी से देखने को मिल जाती है कि गाजियाबाद का ये एरिया और यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन उन चीजों को किस तरह से लेता है। अगर वो इसी तरह से ढील देता रहेगा तो गाजियाबाद का जो प्रदूषण है वो लगभग इसी तरह का एक वो बना रहेगा। जी बिल्कुल, और अधिकारियों की बात की जाए जितेंद्र, तो अधिकारी कितने ज्यादा अलर्ट है, लोगों को कितना जागरूक किया जा रहा है बढ़ते प्रदूषण को लेकर? क्योंकि अब तो जो कोरोना का नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो भी आ चुका है, उसके भी मामले देश में देखने के लिए मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की अगर बात की जाए खास तौर पर जो नया वेरिएंट है इसकी बात की जाए तो लगातार जो है इस तरह के वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं, खासकर दिल्ली में भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके चलते गाजियाबाद में भी अलर्ट लगा दिया गया है और तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये चीजें कागजी रूप पर हो रही है, जब तक ये धरातल पर नहीं पहुंचेंगी तो तब तक जो है इसमें किसी तरह का सुधार जो है खासतौर पर बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल सकता है। जी बिल्कुल, और सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है बढ़ते प्रदूषण को लेकर, क्योंकि कुछ भी ऐसी जो बातें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं? जी देखिए, सरकार की तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की गई है खास तौर पर कि जिस तरह जहां धूल उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव किया जाए और धूल कम से कम हो सके, इसके अलावा जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर जो उनका जो मटेरियल होता है उसको ढककर रखने के, ये तमाम चीजें हैं, ये गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन ये जो गाइडलाइंस है ये खास तौर पर आपको 2 से 4 जीगा तो मिल जाएंगे, 10 में से 4 जीगा आपको मिलेंगे, 6 जीगा जो है उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रदूषण मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है, कई बार सुनवाई हो चुकी है, जो सख्त हिदायत है वो भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अगर प्रदूषण की हम बात करें तो प्रदूषण खराब श्रेणी में बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने बीते दिन संसद की एक समिति को सूचित किया कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 23 मामले हैं और अधिकारी स्थिति की करीबी से निगरानी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा कहा गया है कि समिति को बनाया गया ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 10 मामले जो है महाराष्ट्र में देखने के लिए मिले हैं, इसके बाद राजस्थान में 9 मामले। वहीं उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन स्वरूप के 2303 मामले हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ओमिक्रॉन स्वरूप और कोविड-19 से संबंधित अन्य मुद्दों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी है। स्वास्थ्य सचिव, ICMR महानिदेशक और मंत्रालय के अन्य शीर्ष अधिकारी कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से उत्पन्न चुनौतियों के मुद्दों पर स्वास्थ्य पर संसद के स्थायी समिति को जानकारी देते हुए नजर आए, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कर रहे थे। वहीं बताया गया है कि कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक के सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो तीसरी खुराक ली जा सकती है, लेकिन दूसरी खुराक के 9 महीने बाद। अपनी प्रस्तुति के दौरान अधिकारियों ने टीके की प्रभावशीलता की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो विभिन्न स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी है। 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए टीका प्रमाण पत्र स्वीकार कर रहे हैं।
आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये लगातार 36वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। कच्चे तेल के दाम में अस्थिरता देखी जा रही है, जिसका क्रूड बास्केट के रेट पर असर देखा जा सकता है। देश में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के दाम अलग अलग होते हैं और इनमें राज्यों के लगाए गए वैट और अन्य टैक्स का असर होता है, जिससे राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट भी अलग होते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपए जबकि डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 109.98 रुपए प्रति लीटर पर है और डीजल की कीमत 94.14 रुपए प्रति लीटर पर है। कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.67 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 89.79 रुपए प्रति लीटर पर है। चेन्नई में भी इस तरह के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी राहत नहीं मिल सकती है इन महानगरों में। सहारनपुर के मानकमऊ ग्राउंड में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परियोजनाओं के शिलान्यास के बहाने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा और लोकदल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां हताश और निराश सेना के सेनापति बने घूम रहे हैं। उनको पता है कि 2014, 2017 और 2019 हार चुके हैं और 2022 वो हारने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने बूथ को जीतेंगे तो विधानसभा चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। उन्होंने सहारनपुर के सातों विधानसभा चुनाव को जीतने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया है। तो सहारनपुर पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि हम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं, विपक्ष का काम है आगे आना, बोलना, बयानबाजी करना, लेकिन 2019 में ये देख चुका है विपक्ष की किस तरह से उनकी करारी हार हुई थी, 2022 में भी उनकी हार होने जा रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि ऑनलाइन कंपनियों की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके उनका साथ दीजिए। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतिगत अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक और दुकानदार अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हैं और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कंपनियों की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें। तो वरुण गांधी का ट्वीट काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दरअसल वरुण गांधी ने कहा कि छोटे दुकानदारों से खरीदारी करनी चाहिए, ऑनलाइन जो खरीदारी है वो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे छोटे उत्पादक हैं जो कि पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अमेजोन, वॉलमार्ट की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके इनका साथ दीजिए। वैदिक मंदी के समय इन्होंने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था, ये वो ट्वीट है जो वरुण गांधी ने किया। सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली आवास पर पहुंच चुका है, अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर पहुंचा हुआ है। देश गम में है, देश की आंखें नम हैं, लेकिन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। वीर सपूतों को कोई भूल नहीं सकता, दिल में, इतिहास में ये हमेशा जिंदा रहेंगे। तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर रखा गया है करीब 2 घंटे के लिए। तमाम गणमान्य लोग यहाँ पहुँचेंगे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसके अलावा परिवार को ढांढस बनाते हुए भी तस्वीरें सामने आई थी और आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा उनके पैतृक गांव, उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है उनके सरकारी आवास पर। तो बेहद ही गमगीन ये तस्वीरें, भावभीनी तस्वीरें, लेकिन देश को गर्व है जनरल बिपिन रावत पर, देश को गर्व है कारगिल युद्ध में अपना लोहा मनवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत पर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आंखें नम हैं, लेकिन उन पर फक्र है, गर्व है
ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है और यहाँ पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो देर रात पालम एयरपोर्ट पर भी उनका पार्थिव शरीर रखा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अंतिम दर्शन किए थे, साथ ही साथ परिवार को ढांढस बनाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे थे। अब सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है और गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो लगातार 3 दिनों से देश गम में है, लेकिन उनकी शौर्य गाथा को कोई भूल नहीं सकता। उनकी शौर्य गाथा पर हमें गर्व है और हमेशा रहेगा। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका का भी निधन हुआ और यहाँ पर उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर भी उनके सरकारी आवास पर रखा गया है। 12:30 बजे तक लोग अंतिम दर्शन यहाँ कर सकेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर पहुंचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिगेडियर LS सलेधर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब जो है CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास लाया गया है अंतिम दर्शनों के लिए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और इनके पैतृक गांव इनका पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा, वहां पर अंतिम संस्कार इनका पूरे किया जाएगा। इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि उनकी बेटी उन्हें मुखाग्नि देती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, गम का माहौल है लेकिन कहा जा सकता है कि दिल में वो जज्बा है, वो जुनून है, जिस तरह का जज्बा और जुनून यहाँ पर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी दोनों बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और कल की तस्वीरें बेहद ही भावुक थीं। दोनों ही बेटियाँ यहाँ पर, उनकी दोनों ही बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और कल भी इस तरह की जो भावुक तस्वीरें थी वो सामने आई थी और आज भी आप देख सकते हैं कि परिवार यहाँ पर मौजूद है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन गर्व है अपने पिता पर, गर्व है अपनी माता पर। तो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कारगिल युद्ध हो, अपना लोहा मनवाया बिपिन रावत जी ने और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने नमन किया है, परिवार यहाँ पर मौजूद है, परिवार को ढांढस बनाते हुए भी तस्वीरें सामने आई हैं। तीनों सेना प्रमुख कल भी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद थे और फिलहाल की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ और कुछ परिवार के लोग जिनकी आंखें नम, गला रुंधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बेटे पर, अपने पिता पर उन्हें गर्व है और हमेशा रहेगा। 63 साल वो जिए और शान से जिए, पहली बार देश में CDS का पदभार मिला उन्हें और बखूबी निभाया। एक जो शक्ति मंत्र है वो उन्होंने दिया, जो एक राष्ट्र की रक्षा का मंत्र था वो मुट्ठी में कहीं ना कहीं हमेशा रखते थे और अपने जितने भी उनके स्टूडेंट्स रहे उनको भी दिया करते थे। तो देश को एक अलौकिक शक्ति, एक अद्भुत शक्ति, आधुनिक शक्ति जो है वो जनरल बिपिन रावत ने दी है और इसी वजह से आज पूरा देश रो रहा है, लेकिन अपने पहले CDS पर उन्हें गर्व है। देखिए, अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो अंतिम विदाई उन्हें ज़रूर दी जा रही है, लेकिन हम वो लोग होंगे, हम साक्षी हैं, आप, मैं या तमाम देश के ऐसे लोग कि हमने पहले CDS को देखा है। और जानकारी भी मिल रही है कि जल्द ही नए CDS के नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन जनरल बिपिन रावत हमेशा सभी दिलों में याद रहेंगे। भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनका शौर्य, उनकी शौर्य गाथा हमेशा दिलों को छूती रहेगी, हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी रहेगी। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, तमाम बड़े चेहरे और कुछ ऐसे
रिश्तेदार, कुछ ऐसे परिवार के लोग जो कि गम के माहौल में हैं, उनको ढांढस बंधाना भी जरूरी है। पत्नी मधुलिका का भी पार्थिव शरीर यहां पर रखा गया है, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग उत्तराखंड से भी उनके रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंतिम दर्शन और फिर इसके बाद इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार उन्हें दिया जाएगा और पंचतत्व में फिर बिपिन रावत विलीन हो जाएंगे। उनकी पत्नी मधुरिका का भी अंतिम संस्कार उनके साथ ही किया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिवंगत जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। करीब करीब डेढ़ घंटे का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है जिसमें तमाम बड़े चेहरे पहुंचेंगे। कुछ परिवार के लोग हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और सेना प्रमुख जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, तो हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है और बेहद ही भावुक पल हैं। लेकिन उनकी शौर्य गाथा, उनकी वीर गाथा को कोई भुला नहीं सकता है। स्वर्णिम अक्षरों में उन्होंने अपना नाम लिखवाया है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। बताया तो ये भी जाता है कि चीन हो पाकिस्तान हो, जनरल बिपिन रावत से थर्राता था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार गमगीन, दूसरी तरफ जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ही मार्मिक तस्वीरें ये। तो सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धनपत्नी मधुरिका का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली सरकारी आवास पर पहुंचा हुआ है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, परिवार वहां पर मौजूद हैं। गम का माहौल है लेकिन देश को उन पर फख्र है, हमेशा रहेगा। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी और बड़ी खबरें।